दोस्तों, एक लीगल फाइट हुआ था इंडिया की सबसे फेमस कंपनीज के बीच में। ये टाटा बिरला का कोई मैटर नहीं है, रिलायंस का मैटर नहीं है, ये हमारे बचपन से जुड़ा हुआ या आज भी वीकेंड्स में कभी कभी या हमारा अगर बच्चे हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। आइसक्रीम आइसक्रीम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी कोर्ट केस हुआ था। ये हुआ था अमूल और क्वालिटी वॉल्स के बीच में। हुआ क्या था कि अमूल ने अचानक एड कैंपेन चला दिया और हर घर में ये चलने लग गया, और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी आइसक्रीम जो है वो हेल्दी है और जो मार्केट में आइसक्रीम अवेलेबल है, माने इनडायरेक्टली क्वालिटी वॉल्स को ही कह रहे थे, वो अनहेल्दी है। इसका लेकर के क्वालिटी वॉल्स ने मामला कर दिया, केस चला। तो वहाँ पे अमूल ने दलील की कि देखिए, हम बिक्री करते हैं आइसक्रीम, और आइसक्रीम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो लगता है वो है मिल्क सॉलिड्स एंड मिल्क फैट्स, उससे आइसक्रीम बनती है। पर क्वालिटी वॉल्स जो बनाता है वो बनाता है मिल्क सॉलिड्स और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, या जिसे हम पाम ऑयल या डालडा घी कह सकते हैं, मैंने डालडा तो एक ब्रांड है बट जो घी होता है उससे बनाता है, और वो एक ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही अनहेल्दी ऑप्शन है, और वो इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम नहीं बनता, वो इंग्रेडिएंट से एक डेजर्ट बनता है, मिठाई बनती है। तो वो एक फ्रोजन डेजर्ट बिक्री कर रहे हैं, ना कि आइसक्रीम बिक्री कर रहे हैं। ये फिर इस केस में FSSAI, जो गवर्नमेंट की संस्था है, जो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे या साइड में मेंशन किया रहता है, FSSAI का स्टैंप रहता है, और वो इंग्रेडिएंट्स बताती है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी मात्रा में हैं। और उन्होंने कहा जी हाँ, अमूल की जो आइसक्रीम है सी मिल्क सॉलिड्स और मिल्क फैट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स से बनी है, और क्वालिटी वॉल्स की जो सो कॉल्ड आइसक्रीम है उसमें मिल्क सॉलिड के साथ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है। तो ये क्लियर हो गया, अमूल केस जीत गया। कहा गया कि क्वालिटी वॉल्स अब अपने प्रोडक्ट को आइसक्रीम बोल के नहीं बेच सकती, ना ही शो कर सकती है, और वो अपने प्रोडक्ट में लिखेगी दैट इट्स अ फ्रोजन डेजर्ट, वो एक ठंड ठंडी जमी हुई मिठाई है, ना कि आइसक्रीम है। ये अमूल के लिए एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुआ था, और बाद में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। आज हम और आप ये शायद नहीं भी जानते हैं, हम जब बस जानते हैं अगर कोन शेप में है या क्रीम है, ठंडी है तो आइसक्रीम है, बट दिस इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड फ्रोजन डेजर्ट।